वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ देव, स्वागत करता हूँ क्लास ऑफ क्लास की और एक न्यू एपिसोड में। सो गाइस, मैं अभी अपना टाउनल 11 अकाउंट में हूँ एंड ये अकाउंट हमारा बहुत जल्दी यार मैक्स आउट होने वाला है। देख सकते हो कुछ बॉम्ब एंड वॉल्स एंड सिर्फ कुछ ही ट्रैप वगैरह वगैरह अपग्रेड होने के बाद ये फुल्ली मैक्स आउट हो जाएगा। जब तक ये सारे ट्रैप वगैरह वगैरह वॉल मैक्स ना हो जाता हम तब तक यार टाउनल को अपग्रेड नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हम टाउनल 12 कर देंगे तो गाइस बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने ये इंट्रो थोड़ा बाद में मतलब बना रहा हूँ। मैंने आज आपको हॉग राइडर के साथ वार अटैक दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड मैंने टाउनल 11 का सब स्ट्रेटेजी को कवर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो आप बाकी स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहते तो यार प्लीज़ चैनल का प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा टाउनल 11 का एयर अटैक एंड बोलर्स अटैक सब वाले अटैक आपको मिल जाएगा। तो गाइस इस वाले वीडियो में आज मैं हॉग राइडर के साथ यार वार में अटैक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देख सकते हो हमारा जो क्लान गेम का रिवार्ड हमने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है तो हम वो कलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल में नया आ रहे हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साइड का बेल आइकन को एक्टिव कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। तो चलिएगा इस बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो के तरफ चलते हैं। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले हम यार क्लान गेम का रिवार्ड हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड हम यहाँ से बुक ऑफ फाइटिंग ले सकते हैं। रून ऑफ इलिक्जर हम नहीं ले सकते, हमारे पास पहले से है एंड हम वो ले लेते हैं। एंड यहाँ से हम लेंगे 8 वॉल रिंग्स जो कि सही है, सवाल ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड 60 जेम्स लू या बिल्डर पोशन लू। गाइस बिल्डर पोशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके तो चलते हैं, यहाँ से हम ले लेंगे इलिक्जर लेते हैं। इलिक्जर ही ले लेते हैं एंड यहाँ से हम लेते हैं 20 जेम्स। तो चलो ये सारे के सारे आ गया है। हमने 4000 पॉइंट हमने नहीं किया था इसलिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड हमको नहीं मिलने वाला। तो ओके जितना भी मिला हम उतने से खुश रहेंगे। तो चलेंगे अभी हमारा बिल्डर को बिजी रखेंगे, कुछ अपग्रेड कर सकते हैं हम, जेंट बॉम्ब कर सकते हैं 35 लाख 5 डे के लिए। तो हमने एक अपग्रेड लगा लिया है एंड दूसरा क्या लगाएंगे, तो चलो इस बॉम्ब को लगा लेते हैं 4 डे के लिए। तो इतना ही करें क्या? हाँ गैस, और ज़्यादा हमारे पास माल पानी नहीं है तो इतना से ही हमको रहना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी देरी ना करते हुए वार अटैक के तरफ चलते हैं। तो गैस देख सकते हो द वॉरियर्स क्लैन के साथ हमारा वार चल रहा है। तो मैंने क्या है 16 नंबर के ऊपर। तो चलते हैं इस वाले बेस को, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टाउनल 11 का फुल मैक्स आउट बेस है एंड सिर्फ वॉल ही मैक्स नहीं है लेकिन हॉग अटैक करने वाले हैं हम। तो वॉल मैक्स हो या ना हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमको इस तरफ अटैक शुरू करना है क्योंकि देख सकते हो हम इस तरफ अटैक शुरू करेंगे तो हमारा ये क्वीन मिल जाएगा एंड ये जो किंग मिल जाएगा, उसके साथ साथ हमको ओपोनेंट का सीसी भी मिल जाएगा एंड हम होग अटैक यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलते हैं मैं इसको प्ले करता हूँ। वैसे तो ये 3 स्टार हो चुका है तो मैंने यहाँ से अपना आइस गोलेम एंड सेज बारक के साथ मेरा क्वीन, उसके साथ साथ हमारा पीछे 5 हीलर मैं छोड़ने वाला हूँ। ये सारे के सारे डिफेंस एंड देख सकते हो सीसी भी बाहर निकल आ चुका है एंड सीसी में ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं था, 2 लून के साथ 1 विच था जो कि बहुत अच्छा है एंड आइस गोलेम अच्छा हुआ नहीं था, नहीं तो यार पहुँच कर ले देता। एंड अभी देख सकते हो ओपोनेंट का क्वीन भी डाउन हो चुका है एंड मैंने यहाँ से किंग इसीलिए छोड़ा। देख सकते हो किंग एंड पेक का अच्छे से फनल करना चाहिए एंड वो भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं देख सकते हो। थोड़ा मैं यहाँ से फास्ट करवा देता हूँ। ओके उसके बाद मैं यहाँ से हॉग राइडर छोड़ने वाला हूँ। देख सकते हो मैं यहाँ से हॉग छोड़ चुका हूँ एंड उसके पीछे मैं वार्डन चाचू को छोड़ दिया। हमेशा हॉग के पीछे वार्डन चाचू को छोड़ना। ओके एंड यार यहाँ कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं था, जो भी बॉम्ब फॉर्म था वहाँ सब फ्यूज हो चुका है तो ये इजीली 3 स्टार होना ही था एंड हॉग अटैक के लिए ये बहुत सही बेस था गाइस। देख सकते हो ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ से प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं पड़ा एंड सिंगल इन्फोनो भी थे दोनों को देना सिंगल इन्फोनो, मल्टीपल इन्फोनो हॉग को ज़्यादा डैमेज देते हैं लेकिन यार हॉग राइडर के लिए सिंगल इन्फोनो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड यहाँ से देख सकते हो सारे के सारे डिफेंस क्लियर हो चुका है तो मैं यहाँ से थोड़ा फास्ट करवा देता हूँ। फाइनली टाउनल भी डाउन हो चुका है लेकिन यहाँ देख सकते हो क्लीनअप के लिए मेरा कुछ विजार्ड नहीं लिया था मैंने, लेकिन अच्छा हुआ बहुत सारे हॉग जिंदा थे जिसके वजह से बेस अच्छे से क्लीनअप हो गया
एंड आपको पता होगा यार, हॉग अटैक में ज़्यादातर टाइम का इशू होता है एंड, लेकिन हमको ये वाला अटैक में कोई टाइम का इशू हमने नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये देख सकते हो बहुत आसान तरीके से ये हमने ट्रिपल निकाल दिया है गाइस। तो गाइस पहला अटैक में मैं आपको स्ट्रेटेजी दिखाना भूल गया था, तो यहाँ से स्ट्रेटेजी देख सकते हो। 5 हीलर हमने यूज किया है, 1 बेका एंड 30 हॉग राइडर्स, 1 आइस कोलम। ओके, एंड हमारा अभी टारगेट है 16 नंबर हो चुका है एंड अभी हम 17 नंबर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। देख सकते हो ये भी यार फुल्ली मैक्स आउट बेस है, तो हम अटैक करने वाले हैं। किस तरफ अटैक करें यार, हम 28 क्लॉक से करें क्या? 28 क्लॉक से हम करेंगे तो हमको यार वॉल ब्रेकर मैंने नहीं लिया है। ओके कह रहा कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे। हमारा क्वीन थोड़ा अंदर जाएगा तो हो जाएगा, हमारा बात बन जाएगी। तो देखते हैं हम यहाँ हमारा छोड़ेंगे क्वीन को पहले, उसके पीछे हमारा आएगा आइस गोलेम एंड हीलर्स। तो सब कुछ सही जा रहा है, यहाँ से फनल हो जाएगा, ओपोनेंट का किंग एंड क्वीन मिल जाएगा तो यार बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से सेज बारक्स को भी ड्रॉप कर देता हूँ। तो आइस गोलेम या डेड हो चुका है हमारा, यहाँ से हमारा क्वीन को छोड़ देते हैं फनल के लिए। क्वीन अंदर जाना चाहिए एंड क्वीन यार बाहर घूमता रहेगी तो यार ओपोनेंट का क्वीन बच जाएगा। एंड किंग के ऊपर तो यार पेक्का लॉक हुआ था, लेकिन हमारा पेक्का का हेल्थ बहुत कम था गाइस। एंड यहाँ से पहला इशू हो चुका है, देख सकते हो मेरा गलती था कि मैंने विथआउट वॉल ब्रेकर के साथ अटैक किया, जिसके कारण देख सकते हो हमारा क्वीन साइड के तरफ भटक रहा है, अंदर के तरफ नहीं जा रहा है। एंड पेक्का एक अच्छा काम कर रहा है लेकिन पता नहीं यार। तो चलो हमारा किंग का एबिलिटी को यूज करते हैं एंड सीसी में 2 लून है एंड कुछ उइच है। ओके, तो सीसी भी बाहर निकल आ चुका है, सीसी डाउन हो जाएगा, उसके बाद हम होगा अटैक शुरू करेंगे। तो पहला रेज हमने दे दिया है यार, मुझे ना यह अटैक कुछ सही नहीं लग रहा है क्योंकि देख सकते हो यार क्वीन बच गया। ओके, जो कि बचना नहीं चाहिए एंड यहाँ से मल्टीपल इन्फर्नो है दोनों का दोनों, एक इन्फर्नो तो क्वीन डाउन कर लेगा। एंड मैंने यार टाइम का इश्यू हो जाएगा इसीलिए डरी ना करते हुए देख सकते हो हॉग राइडर छोड़ चुका हूँ, उसके पीछे हमारा चाचू को लगा लिया मैंने। अरे यार स्केलीटॉन गाइस, ये मैंने बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ ये वाला स्ट्रेटेजी में। आप एक काम जरूर करना, 2 रेस फेल मत लेना, 1 रेज आप निकल के 2 पॉइजन ऐड करना। देख सकते हो काफ़ी सारे जो स्केलेटन है वो मेरे हॉग राइडर के पीछे लॉक हो चुके हैं एंड यार हॉग राइडर कुछ भी नहीं कर रहा है एंड बहुत सारे भाई स्केलेटन बहुत डैमेज दे रहा है हमारा हॉग राइडर को। एंड देख सकते हो बहुत सारे हॉग राइडर जिंदा थे लेकिन अभी बहुत कम हो चुके हैं। तो गैस ये ना टाइम इशू हो गया। ओके, 100% ये वाला अटैक टाइम का इशू है, कोई और नहीं भाई, 3 स्टार का कोई भी ये नहीं और उम्मीद नहीं है। देख सकते हो भाई कितने स्केलेटन है गैस, देख सकते हो सिट गैस। तो आखिर हमारा सिर्फ क्वीन बचा है, तो क्वीन क्या करेगा यार, क्वीन कुछ भी नहीं कर सकता। हमने बहुत गलती किया इस वाले अटैक में, पहला अटैक कैसे कैसे हो गया 3 स्टार, लेकिन इस वाले अटैक में हमारा गलती हमको यार पता चला। वैसे हमने विथआउट वॉल ब्रेकर के साथ अटैक किया था। ओके चलो खैर कोई नहीं। तो गाइस CWL में भी खेलने वाला हूँ एंड CWL का भी बहुत अच्छा अच्छा अटैक आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आप टाउनल 11 का कौन सा स्ट्रेटेजी और चाहते हो, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड गाइस अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर दे देना एंड चैनल में पहली बार आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन को एक्टिव कर देना, क्योंकि टाउनल 7 से लेकर टाउनल 13 तक हर टाइप का वीडियो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए खेलते रहिए, द क्लास ऑफ क्लांस।